हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, यहाँ चारों तरफ एयर है। वी कांट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, हम लोग इसे देख नहीं सकते लेकिन जब हवा मूव करता है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, देयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यहाँ हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक मोटा लेयर है। हवा का एक मोटा लेयर और ब्लैंकेट भी इसे बोल सकते हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है। इट इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसे अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं, अर्थ का वायुमंडल कहते हैं। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी को अपनी तरफ हेल्ड करता है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। अब लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर। थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 600 किलोमीटर, जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस है वो 600 किलोमीटर तक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर लेयर्स, इसे फोर लेयर में डिवाइड किया गया है। दीज आर, ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, जिसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कहते हैं। We all live in the troposphere, हम सभी लोग troposphere पर रहते हैं। As it is the layer closest to the Earth's surface, ये layer, ये atmosphere का layer Earth के सतह से बहुत ही closest है, बहुत ही नजदीक है। It is the densest layer, ये layer densest layer है। All weather changes take place within this layer of atmosphere, सभी weather changes और take place करते हैं इसी एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में, मतलब वेदर अपना बदलाव इसी लेयर में करते हैं। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, द एयर बिकम्स थिन, जो एयर होता है वो पतला होता जाता है, एंड सो लैक्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। दिस इज द रीजन Why माउंटेनियर्स कैरी देयर ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग, इसी कारण जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। अब हमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर का जो लेवल होता है वो घटता क्यों जाता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एयर का जो ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है, इसी पे हम लोग रहते हैं, जो कि अर्थ के सतह से काफी नजदीक है। तो अर्थ के सतह पर पेड़ पौधे उपजते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो हम लोगों को पता है वो कार्बन, वो भी लिविंग थिंग्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने मतलब ब्रीथिंग थ्रू एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पेड़ पौधे तो हमारे साथ नहीं जाएंगे, इसी कारण हमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा